नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया को बताया झूठी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती को झूठा करार कर दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि रिया के पास 17,000 EMI देने के लिए कहां से आए, सबसे महंगे वकील की फीस रिया ने कैसे दी। अंत में उन्होंने लिखा कि झूठी रिया, सुशांत की बहन के इस पोस्ट का समर्थन पटना के लोगों ने किया है। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल सिंह राजपूत ने साफ तौर पर कहा है कि इन सभी बातों की पड़ताल की जानी चाहिए कि आखिर रिया के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। सुशांत की बहन ने एक दूसरा पोस्ट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम लोग अपने भाई को प्यार नहीं करते थे, सही है, शायद इसलिए जब मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ आ रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसी साल जनवरी में फ्लाइट से अमेरिका तुरंत पहुंच गई थी। पटना एयरपोर्ट से लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी और अमृतसर के लिए अब होगी सीधी उड़ान। सभी पटनावासियों के लिए अहम सूचना, पटना एयरपोर्ट से एक बार फिर से अलग अलग शहरों के लिए हवाई नेटवर्क दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाना है। पटना के लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर, गुवाहाटी से सीधी उड़ान की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी जिसमें गुवाहाटी के लिए 2 फ्लाइट होंगी। पटना से लखनऊ के लिए इंडिगो के विमान 6E6231 रात 9:45 पर लखनऊ से पटना पहुंचेगी जबकि पटना से लखनऊ जाने के क्रम में 6E6232 रात 10:45 पर उड़ान भरेगी। वहीं शनिवार को पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 33 जोड़ी फ्लाइट का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है जो 24 अक्टूबर तक प्रभारी रहेगी। अब तक एयरपोर्ट से 29 जोड़ी फ्लाइट की ऑपरेशन हो रही है। वहीं इन नए शेड्यूल में भी पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची के लिए भी एक नई सप्लाई की गई है जिसके तहत रांची जाने के लिए कोलकाता या दिल्ली होकर जाना होगा। वहीं शनिवार से दिल्ली के लिए फ्लाइट की संख्या घटाकर 11 कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का ANM कर्मचारियों ने किया घेराव। राजधानी पटना में एक बार फिर से ANM कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया है। मौके पर मौजूदा ANM ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की है और साथ ही उन्होंने कई सारी बातें भी कही हैं। ANM की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा जो कि आज पूरा नहीं हो सका है। उन्हें घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में ANM स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचे थे और नौकरी को नियमित करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं लेकिन अब तक उनकी नौकरी स्थायी नहीं की गई है, साथ ही उन्हें मानदेय भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। बिहार में BJP के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 3 साल का मिला सेवा विस्तार। बिहार के जिलों और प्रखंडों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधन संरचना के तहत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की संविदा अवधि का विस्तार किया गया है जिसके साथ ही 60 साल पूरा हो चुका है। ऐसे संविदा कर्मियों की भी संविदा अवधि कार्यों की समीक्षा के बाद बढ़ाई जाएगी। BEP के राज्य परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के DPO प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान को विस्तृत निर्देश दिया गया है। निदेशक ने जिला को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दे दी और साफ तौर पर कहा है कि BJP में संविदा कर्मियों की नियुक्ति सामान्यता 3 साल के लिए होती है। 6 सितंबर 2019 की अधिसूचना के मुताबिक संविदा कर्मी 7 साल की उम्र पूरी करने और योजना की अवधि और नियुक्ति होने तक काम करेंगे। प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 24 घंटे के अंदर दिए जाएंगे ₹5,000। प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 24 घंटे के अंदर 5,000 देने का ऐलान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों नीतीश कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी COVID-19 से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट करते हैं उन्हें ₹5,000 राशि के तौर पर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसी फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर प्रोत्साहन के रूप में राशि उनके खाते में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। विभाग के अवर सचिव कौशल किशोर ने इस संबंध में शनिवार को देर शाम निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, एम्स पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना के निदेशक और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर के प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि प्लाज्मा डोनर का विस्तृत जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही स्वास्थ्य समिति को दान करने वाले बैंक अकाउंट में उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसके तहत राजस्व समिति की तरफ से 24 घंटे के अंदर ₹5,000 उपलब्ध करवाने का आश्वासन दे दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके बिहार के रिटायर्ड IAS को लोकसभा की मिली नई जिम्मेदारी। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले रिटायर्ड IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है जिसके तहत उन्हें सम्मानित पद पर मनोनीत करते हुए सचिव बना दिया गया है। उत्पल कुमार सिंह को सचिव पद पर नियुक्ति की मंजूरी अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से दी गई है। आपको बता दें उत्पल कुमार सिंह हाल ही में 30 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रिटायर हुए हैं। लोकसभा के सचिव बनाए गए हैं। उत्पल कुमार सिंह भारत सरकार के कई विभाग में कई पद पर काम कर चुके हैं। वहीं उनके रिटायरमेंट के बाद लोकसभा सचिव की जिम्मेदारी सौंपने की खबर मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में
उनके पैतृक गांव में लोगों के बीच में खुशी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद एक वकील, पॉलिटिकल और फिर फिलहाल वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री हैं, जो कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को संभाल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाल रहे हैं और पटना साहिब से सांसद भी है। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद का जन्म बिहार की राजधानी पटना में आज ही के दिन हुआ था। वहीं बतौर वकील पटना हाईकोर्ट में भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका पॉलिटिकल करियर तब शुरू हुआ था जब उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आवाज उठाई थी। तब उन्होंने एलके अडवाणी के साथ मैदान में देखा गया था। वहीं उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें 1975 में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। साल 2018 में लगातार राज्यसभा में चौथी बार चुने गए थे। वहीं साल 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें पटना साहिब का सांसद चुना गया था। सीबीआई के रिया से तीसरे दिन लगातार हुई पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं के जवाब सीबीआई ढूंढने में लगी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में संदिग्ध मानी जा रही रिया चक्रवर्ती से आज भी लगातार पूछताछ जारी है। मेरी जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और वहां सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम अलग अलग तरीके से सुशांत के दोस्त रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ सैमुअल और उनके स्टाफ के लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुए वाकये की कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, मगर फिर भी इस पूरे मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती समेत सुशांत सिंह राजपूत के कथित दोस्तों पर शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। बिहार में सहायक प्राध्यापक बनने की चाह रखने वालों को मिली राहत। बिहार में विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने की चाह रखने वालों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिनियम 2020 में संशोधन कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार के अभ्यर्थियों की आशंका खत्म हो गई है कि परिनियम की वजह से उनकी दावेदारी कमजोर होगी। परिनियम में मुख्य रूप से एमफिल डिग्री पर वेटेज समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही यूजीसी रेगुलेशन 2019 विश्वविद्यालय में लागू होने की तारीख से मान्य कर दिया गया है। इससे पहले इस डिग्री के लिए निबंधित अभ्यर्थी 2009 रेगुलेशन की 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो ही उनकी दावेदारी मान्य होगी। पूर्णिया नरेनपुर के बीच 1324 करोड़ की लागत में बनेगी 4 लेन सड़क। पूर्णिया नरेनपुर के बीच में 4 लेन सड़क बनाने की तैयारी जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसकी घोषणा बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है, जिसके तहत 1324.63 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पूर्णिया नरेनपुर 4 लेन पथ निर्माण किया जाना है। इसके लिए अब निवेदक का 3 महीने के भीतर निष्पादित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को काम सौंपने, साथ ही 24 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। नंदकिशोर यादव की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 43.04 किलोमीटर लंबाई वाले पूर्णिया नरेनपुर सड़क में 43.57 किलोमीटर लंबाई के 4 लेन में उन्नयन करना है, जबकि बाकी बचे 2.03 किलोमीटर में 2 लाइन के साथ पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव का मैसेज लेने तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे तेजस्वी यादव। कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव से मिलने तेजस्वी यादव पहुंचे थे। दोनों भाइयों के बीच हुई मुलाकात राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव के पहुंचते ही उनके साथ जीजा समेत परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इसलिए माना जा रहा है कि डिनर के बहाने सभी को तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का संदेश दिया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने रांची जाकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद पटना लौटते ही उन्होंने राबड़ी देवी से भी मुलाकात की थी। इसी बीच तेज प्रताप के घर तेजस्वी का डिनर पर जाने पर जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव और सीट के बंटवारे को लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप में बातचीत हुई है। रघुवंश बाबू की नाराजगी को देखते हुए रामा सिंह की एंट्री राजद में एक बार फिर रुकी। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने रामा सिंह की एंट्री को लगभग तय बताया था, वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मना करने के बाद रामा सिंह की एंट्री एक बार फिर से रोक दी गई है। राजद के इस पहल को रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने का अंतिम प्रयास माना जा रहा है। रामा सिंह के राज्य में एंट्री रोकने के लिए दूसरा मामला है, जिसके बाद राजद ने इस बार रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन रामा सिंह ने खुद ऐलान किया था कि वो 29 अगस्त को राजद में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद रघुवंश सिंह ने अपनी नाराजगी जताई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के अस्पताल में मिलने के बहाने उनको मनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन रघुवंश बाबू ने साफ कह दिया था कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को क्षेत्र में वक्त गुजारने का दिया निर्देश। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के सांसदों ने क्षेत्र और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत आयोजित की गई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए अपने सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सांसद सितंबर के 17, 25 और 27 तारीख के अलावा 2 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र में ही लोगों के बीच वक्त गुजारने वाले हैं। इस दौरान वो बिहार में पार्टी और गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। गौर करने की बात यह है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जबकि 25 सितंबर को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है। इसके अलावा 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। 5 महीने बाद नेट पर उतरे विराट कोहली ने कही बड़ी बात। 5 महीने बाद नेट पर उतरे विराट कोहली ने अपने
एक्सपीरियंस को साझा किया है, जिसके तहत आगामी इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर जारी तैयारियों के बीच में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पिछली बार मैंने 5 महीने पहले मैदान में कदम रखा था, जब नेट पर गया तो लगा कि 6 दिन हो गए हैं। टीम के खिलाड़ियों के साथ पहला सत्र अच्छा रहा और इसके साथ ही उन्होंने कई तस्वीरों को भी साझा किया है, जिसमें साफ तौर पर सभी खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विराट कोहली भी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आगामी आईपीएल के आयोजन के लिए सभी खिलाड़ी यूएई पहुंच चुके हैं। वहीं 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाले आईपीएल को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई। यूएई पहुंचने वाले चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उनके कई सदस्य कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए अभी फिलहाल वो प्रैक्टिस से दूर चल रहे हैं। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 35 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के कुल मिलाकर 78,761 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 35,42,733 पर पहुंच गई है। वहीं इस दौरान देश में 948 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद 63,498 लोगों की जान जाने की पुष्टि फिलहाल की गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में रिकवरी दर मजबूत होने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रिकवरी दर में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद यह दर 66.6% पर पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 7.46% पर देखने को मिल रही है। 29 अगस्त को कुल मिलाकर 10,55,027 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसके बाद 4,14,61,636 सैंपल की जाँच अब तक की जा चुकी है। वहीं कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की दर 1.79% दर्ज की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 5,000 की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का फैसला कितना सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।